वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज पैरेंट इंडिया। मैं पल्लवी भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये है कि बच्चों को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं, एक कॉन्फिडेंट बच्चे को कैसे हम रेज करें, वो क्या गलतियां जो हमें नहीं करनी है, जो बच्चों को शाई और बहुत ज्यादा दबा हुआ महसूस कराती है। बच्चे बहुत झिझकते हैं, बहुत डरते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और कैसे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे दूसरे चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, एक कहावत, बहुत पुरानी कहावत है जो मैंने कहीं पढ़ी है रिसेंटली, कि गुस्से से बेहतर होता है निराशा, निराशा से बेहतर होता है आदेश और आदेश से बेहतर होता है प्यार। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, निराशा आदेश ये सब बातें क्यों हो रही है। तो देखिए, बच्चे कि जब स्कूल में आप जाते हैं वहां पे पेरेंट्स टीचर मीट होती है, अगर टीचर बोलती है कि आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। फिर बच्चे को घर आते ही बहुत आदेश देते हैं कि ये करो वो करो ऐसे करो, बहुत डांटते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो आप वहाँ पे बच्चे को निराशा जता रहे हैं, बच्चे को आदेश दे रहे हैं। और लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्यार, वो मिसिंग है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो सहमे हो जाते हैं और वो कुछ करना नहीं चाहते, वो अपना हौसला खो देते हैं। इसीलिए कभी पेरेंट्स टीचर मीट में जाए या कोई और आपके बच्चे पे कोई टिप्पणी करे तो वहां पे इमीडिएट आपका रिएक्शन नहीं आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे खुद को होल्ड करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और बच्चे से प्यार जताएं। प्यार से बड़ा सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी भी एक डॉटर है 7 ईयर्स की और मैंने भी महसूस किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे उससे प्यार जताएं। और सिर्फ बताना जरूरी नहीं है, बच्चों को ये बोलना भी जरूरी है। मुझे याद है, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं दिन में कम से कम 10 बार तो जरूरी ये बोलती हूँ, आशी आई लव यू, बिकॉज मुझे लगता है कि सिर्फ प्यार करना जरूरी नहीं है, बच्चों से प्यार जताना भी जरूरी है। बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं। मान लीजिए बच्चे ने आपके लिए कोई ड्राइंग बनाई, कुछ भी बनाया, तो पहले उससे प्यार जताएं। अगर आपको लगे कुछ कमी है तो फिर धीरे से बताएं, तो बच्चे को अच्छा लगेगा और उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें। होता है ना, क्लास में कुछ प्रेजेंटेशन होने वाला है या कुछ फंक्शन होने वाला है तो बच्चे झिझकते हैं कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, मैम डांटेंगे, तो बिल्कुल नहीं। बच्चों को आप बताएं कि आप सबसे बेहतर हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो और आप सीख सकते हो, हर चीज सीखी जा सकती है। इसलिए कौन क्या बोल रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको खुद पे फोकस करना है, वर्क करना है। बच्चों के साथ बैठे, उनकी प्रॉब्लम सुने। कई बार क्या होता है, बच्चे हमें कुछ बताना चाहते हैं, हम कहते हैं अभी रहने तो बाद में, या मोबाइल में लगे रहते हैं। ऐसा भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस वक्त हम बच्चे को मना कर देते हैं। अब आप सोचिए, आपके मन में कुछ उलझन चल रही है और आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं उस चीज को लेकर, और पेरेंट्स आपको बोले नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में आना, अभी मैं काम कर रही हूँ, दो वो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा। सेम बच्चे भी फील करते हैं। इसलिए बच्चे आपके पास कभी किसी चीज को लेकर आए तो प्लीज उन्हें ध्यान से सुने, ये बहुत जरूरी है। और पता है, ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वही बच्चे को आगे चल के कॉन्फिडेंट बनाती है। अभी से जब उन्हें हम नेग्लेक्ट करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, हमें लगता है अरे क्या है, बाद में देख लेंगे। नहीं, बच्चे ने बहुत मेहनत की है, हो सकता है घंटे दो घंटे बैठ के उसने कुछ बनाया होगा या कुछ सोचा होगा आपसे कहने के लिए। तो जब आप उसकी परेशानी नहीं सुनेंगे, कुछ बनाया उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बच्चा आपके पास क्यों आएगा, वो आपसे भागेगा, आपसे अपनी आगे चल के प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं करेगा, अंदर ही अंदर दबा रहेगा और उसकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसीलिए बच्चे को हमेशा टाइम दें। बच्चा अगर आपके पास कुछ चीज लेकर आए, कुछ बताना चाहे, तो प्लीज उसे ध्यान से सुने, ध्यान से सुने और उस चीज को समझे। नेक्स्ट मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बोलूंगी कि बच्चों के साथ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स पे मौजूद जरूर रहें, जैसे उनका कोई स्कूल फंक्शन हो गया, उनकी कोई रेस हो गई, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो, आपके ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल हो, लेकिन थोड़ा सा इसको मैनेज करना होगा आपको, बिकॉज ये बच्चों को ना, मतलब मैं क्या बताऊँ इसका इंपॉर्टेंस। बच्चे जब कुछ स्कूल में परफॉर्म कर रहे होते हैं इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने, और जैसे उनको भीड़ में उनके पेरेंट्स दिखते हैं, उनका हौसला दुगुना हो जाता है, बिकॉज आप हैं जो बच्चे ब्लाइंडली जिनको ट्रस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि कुछ भी हो जाए हमारे पेरेंट्स हमसे हमेशा प्यार करेंगे, और ये बताना भी है बच्चों को, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और जो बच्चे खुश होते हैं उनमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होते हैं, इसीलिए छोटे छोटे मोमेंट्स में खुद का प्रेजेंस जरूर रखें। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी कि हर चीज में ना नहीं कहें। अब आप सोचते होंगे ना मैं कब बोलता हूँ, बच्चा जब खुद को हार्म कर रहा होता तभी मैं मना करता हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि
कि बच्चे कुछ वाटर कलर से ड्राइंग करना चाहते हैं तो हमें लगता है क्या कहाँ बेकार का ये पूरा फैलाएगा, नहीं 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 करना है अभी। बच्चे अगर चाहते हैं कुछ आपका दुपट्टा लेके खेलना तो आप कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल मत करो। तो वहां पे इसकी जो क्रिएटिव स्किल है उसको आप दबा रहे हैं, ये नहीं करना है। बच्चे को ना थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनाइए, बच्चे को एक्सप्रेस करने दीजिए उनके मन में क्या चल रहा है। इसके लिए थोड़ा अगर घर मेसी होता है कंप्लीटली फाइन। मैं अगर आपसे बोलूं, मैं अगर अपने घर की बात करूं तो आशी को बहुत मजा आता है, मेरे दुपट्टे लेती है, कुछ वो ड्रेस बनाएंगी, फिर वो मेरे पास आएगी, मम्मा हाउ इज इट लुकिंग, कैसा लग रहा है, और कुछ भी वो टॉयज से कुछ बनाएगी, कुछ ड्राइंग बनाएगी और मुझे दिखाती है, तो मैं टाइम देती हूँ, उसको अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे कुछ कमी लगती है तो वो भी मैं सजेस्ट करती हूँ, एंड शी इज लाइक ओवर द मून, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये मैटर करती है। इसलिए बच्चे जब आपके पास किसी चीज को लेकर आए तो उसका इंपॉर्टेंस समझे, उन्हें टाइम दे, उन्हें एक्सप्रेसिव होने दे। वो अगर कुछ करना चाहे तो लेट देम डू। हर चीज में अगर आप कहेंगे ना नहीं नहीं मत करो, या फिर बच्चे कुछ प्रोजेक्ट मिला स्कूल में बनाने को तो उनको बनाने दो, ये नहीं कि लाओ लाओ मैं बना देता हूँ, ये नहीं करना है। हमेशा जब आप उनकी क्रिएटिव स्किल को ना ऊपर से हावी रहेंगे, हमेशा चाहेंगे मैं खुद कर दूँ, तो बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे खुद के थॉट, और वो एक्सप्रेसिव नहीं बनेंगे और कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे। इसलिए बच्चा जब कुछ इनिशिएटिव ले बनाना चाहे तो बनाने दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल कैसे सीखा चलाना, जब आपने 2-3 बार जब आपने चलाना शुरू किया तो हो सकता है 2-3 बार आप गिरे होंगे, संभले होंगे। अगर आपके पेरेंट्स कहते नहीं नहीं मत चलाओ तुम गिर जाओगे, एक काम करो मैं तुम्हें सीधे बिठा के पीछे साइकिल पे घुमा देता हूँ, साइकिल नहीं चलाना है, तो जीवन में कभी सीख नहीं पाते हैं। तो सेम चीज बच्चों के साथ होता है, उन्हें कुछ चीजें ट्राई करने दीजिए, गिरने दीजिए, संभलने दीजिए, जहां लग रहा है कि वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे वहां अपनी मौजूदगी दीजिए, लेकिन कोशिश उन्हें करने दीजिए। इससे उनकी लर्निंग होगी, सीखेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। हमेशा ऊपर चढ़े रहना कि नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, ये नहीं बोलना है। यू हैव टू से तुमसे ही होगा, तुम बहुत अच्छा करोगे, कोशिश करो, बहुत ही अच्छा करोगे, मुझे पता है तुम कोशिश करो, मैं देख रहा हूँ, ये बोलना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन मोटिवेट करती हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाती हैं, और आगे चल के ना बच्चे हर चीज एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हर चीज ट्राई करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी जरूर फॉलो करें। देखते रहे मॉम इज प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।